ओनली थिंग, देर आर मेनी 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 बेनिफिट्स ऑफ पास लाइफ रिग्रेशन और हिप्नोसिस. जैसे कि मैंने बिगनिंग में ही आपको बताया, इट्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जितनी भी हिप्नोसिस में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से हो कनेक्टेड, या मनी से कनेक्टेड हो, हेल्थ से कनेक्टेड हो, या किसी को मेंटल पीस ही नहीं है, या किसी कोई इंसान बहुत ही ज्यादा लॉस्ट है अपनी लाइफ में, तो वो पास्ट लाइफ में जाकर के उसके रीजंस ढूंढ के ला सकते हैं. एंड इट इज अ ब्यूटिफुल प्रोसेस. सो आप किसी भी चीज का नाम लीजिए यहाँ पे, आई थिंक या. सो लेट मी डिस्कनेक्ट फ्रॉम हियर, लेट मी टॉक टू यू ऑल. यस, सो आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे सिर्फ हिप्नोसिस से करना है, या इसके लिए मुझे इनको पास्ट लाइफ में भी ले जाना होगा. क्योंकि जैसे वेट को कंट्रोल करना है वो आप कर सकते हैं. इसमें आप एक चीज और सीखेंगे, तो बेनिफिट आपको एक मिलेगा, एक सेल्फ हिप्नोसिस होता है जो आप सीखेंगे, तो आप खुद के लिए हिप्नोसिस कर सकते हैं. आपकी कोई हैबिट जो आप छोड़ नहीं रहे हैं, या आपके घर वाले बोलते हैं अरे यार तुम सोते बहुत हो, बट आप उस चीज को बदल ही नहीं पा रहे हैं, तो जो लाइफ में आपको चेंजेस करने हैं खुद की लाइफ में, वो भी आप कर सकते हैं. इट्स नॉट ओनली फॉर अदर्स, आप अपने लिए भी सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं. ओके, एंड इसमें जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं तो एक्चुअली यू बिकम मोर नॉलेजेबल. यू नो, जब आपको वो लर्निंग आती है वहां से, तब आप और भी ज्यादा नॉलेजेबल होते हो. और हमको अल्टीमेटली लाइफ में चाहिए क्या? ग्रोथ, राइट? सबको ग्रोथ चाहिए. इवन वॉट एवर यू आर लर्निंग टूडे, आपको कहीं ना कहीं ये लगता होगा ये चीज मैं सीखूं तो इससे मुझे कहीं ग्रोथ होनी चाहिए लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप बेटर होने चाहिए, मेरे पास मनी अच्छा होना चाहिए. एंड जो भी आपको चाहिए लाइफ में, जो भी आपने गोल्स बनाए हैं, चाहे आप कुछ सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं या जो भी बनना चाहते हैं, आप वो कर पाए. तो पर्पस इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन या हिप्नोसिस का ये है, जो भी ब्लॉक्स आपके अंदर हैं उन सबको हम निकालें, आपका एनर्जी फ्लो बढ़ाएं. क्योंकि जैसे जैसे आप अपने पास्ट लाइफ की जर्नी करते हैं, आपका माइंड खुलता है. मतलब जो लर्निंग लेसन्स आपने नहीं लिए उन पास्ट लाइफ्स में, वो आपने आज उनको एक्सेस करके आपने आज ले लिए, तो आपकी आगे आने वाली जर्नी लाइफ की वो इजी हो जाएगी.